today I decided to vlog, but it's not morning. ये सुबह नहीं हो रही है, ये शाम भी नहीं हो रही है, ये रात हो रही है. मैं रात से vlogging start कर रही हूँ. Actually, कल कुछ है जो कि बहुत special होता है हर graduate, post graduate और या 12th pass करने वाले के लिए होता है. समझ तो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. फेयरवेल, राइट. सो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी कि मैंने MSc कंप्लीट हो चुकी है. तो MSc कंप्लीट हो गई है तो स्कूल नहीं, कॉलेज वालों ने डिसाइड किया है कि फेयरवेल जो है रखी जाएगी. बट उससे पहले एक फ़ोटो सेशन होगा टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ. तो उसके लिए हमें रेडी होके जाना है कल सुबह. एंड देन वहाँ पे डिसाइड होगा कि किस तरीके से फंक्शन होगा और कितनी तारीख को होगा, क्या थीम है, एंड ऑन एंड ऑन. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहन के जाऊँ, बिकॉज फ़ोटो खींचनी है तो ऑब्वियसली बात अच्छी आनी चाहिए. एक मेमोरी होती है वो जो हम हमेशा ज़िंदगी भर याद करते हैं, जैसे हमारी स्कूल की मेमोरी थी. उस समय तो किसी ने भी नहीं बोला, अचानक से होता है ना कि फ़ोटो खींची जाएगी, तो खींच दी. और मैं दिखाती हूँ आपको फ़ोटो कैसी आई थी स्कूल की. तो ये रही मेरी स्कूल की फ़ोटोज़ और ये मेरे सारे क्लासमेट्स और ये टीचर्स. अगर मैं अपनी अपने मतलब मैं मेरे को अगर आप गैस कर सकते हो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है. मैं आपको दस सेकेंड का टाइम दूंगी गैस करने का कि इनमें से मैं कौन हूँगी. अगर आपने गैस कर लिया तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं आप. और फाइनली मैं बताती हूँ मैं कहाँ पर हूँ. मैं ये हूँ, ये मैं हूँ 12th क्लास में. क्या मैं सेम लग रही हूँ? आई थिंक कि मैं नहीं चेंज हुई है जितना मुझे पता है. अभी ये वियर्ड सा काजल लगा के हम भूत जैसी लग रही हूँ मुझे पता है, बट ये मैंने जादू बूझ के लगाया हुआ है. सुबह अच्छा से मुँह धोऊंगी तो आँखों में हल्का हल्का रहता है, मुझे लगाने की जरूरत पड़ेगी. अब बारी है कि मैं क्या पहनूंगी. तो मैं दो जोड़ी कपड़े निकालती हूँ और देखते हैं कि उनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड प्लीज़ डू वोट कि आपको कौन सा सही लग रहा है कि मैं क्या पहन के गई होंगी. ओके, तो ये रहे कुछ कपड़े. ऑब्वियसली पता है जीन्स और टॉप ही पहन के जाऊँगी, ऐसा कुछ और है भी नहीं. ड्रेस वगैरह मैं अभी नहीं पहनना चाहती हूँ, क्या पता कि फेयरवेल में बोलें कि आपको वेस्टर्न पहनना है. बट मैं चाहती हूँ कि इंडियन बोले ताकि मैं साड़ी पहनने की डिज़ायर जो अपनी पूरी कर सकूं. तो देखते हैं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता. मैं तो बस क्योंकि मैंने 12th में भी साड़ी पहनी हुई थी फेयरवेल में, उसकी मेरे पास कोई पिक नहीं है. सॉरी, फ़ोन पे होगी, अगर होगी मेरे पास रखी होगी तो मैं लगा दूंगी वहाँ पर कि मैं 12th में साड़ी पहन के फेयरवेल में कैसी लग रही थी. एंड या तो मैं अभी निकालती हूँ कपड़े, उसको दिखाती हूँ. ये रहे मेरे पहले जोड़ी कपड़े, ये पैंट कह सकते हो आप, और ये रहा टॉप. ये नेट का टॉप है, इसके अंदर ब्लैक कलर की जो है समझ आएगी. तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, एक तो ये है, दूसरा मैं दिखाती हूँ. ये दूसरी जोड़ी कपड़े, ये लाइट ब्लू कलर की पैंट है, जीन्स है मतलब, और ये वाइट कलर का टॉप है जिसमें छोटे छोटे ऐसे फूल बने हुए हैं. दोनों ही ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अपोजिट एक दूसरे के, एक बिल्कुल डार्क है तो एक बिल्कुल लाइट है. और ये वाली ड्रेस जो येलो दिखाई मैंने, ये मैंने कश्मीर में भी पहनी थी. मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी दिखाने के लिए कि इसका कलर ना मेरे को बहुत खिलता है. वाइट मैंने देखा, ऑफ मतलब जो वाइट कलर होते हैं, गोल्डन कलर्स होते हैं, वो मेरे चेहरे को और खिलाते हैं. तो मे बी फोटो में ये अच्छा आए, इसलिए मैं सोचूंगी इसको रखूंगी या फिर इसको पहनूंगी. बट वो वाला ना थोड़ा वैसा वाला है, मतलब डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है. एक्चुअली ब्लैक मेरा फेवरेट कलर तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है उसको बहुत ज़्यादा पहनना. मेरे पास आधे से ज़्यादा कपड़े ब्लैक होंगे. अगर आप यहाँ भी घुमा के देखोगे तो ब्लैक ब्लैक, और ये तो पूरा ही ब्लैक है. फिर मतलब ब्लैक बहुत ज़्यादा है मेरे पास, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ. तो अब इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना है कि पहनना क्या है. तो कल सुबह 10 बजे कॉलेज पहुँचना है, है ना. फिर वहाँ चीज़ें मैं दिखाऊँगी आपको. मे बी सेकेंड लास्ट टाइम कॉलेज होगा जाना, और बिकॉज उसके बाद फेयरवेल नहीं होगा लास्ट. आप पता नहीं क्या होने वाला है. स्कूल जैसी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल में बहुत बुरा लग रहा था आज, जब स्कूल छूटा था. कॉलेज का इतना नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है. कल सुबह मिलते हैं आपसे. अभी मैंने कपड़े तो निकाल दिए, बिकॉज मुझे कल सुबह अगर मैं ये सब करती तो शायद मैं ब्लॉग नहीं कर पाती. तो मैंने अभी से स्टार्ट किया एंड ये सब रहा. कल सुबह मिलते हैं आपसे, देखते हैं कि क्या होता है. एंड आप तब तक डिसाइड कर लेना कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. देखते हैं कि आपकी और मेरी टेलीपैथी कितनी है. मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे. कल जो मैंने बात बोली थी कि हमारा फोटोशूट होने वाला है सब चीज़ों का, वो नहीं होगा. वाई? बिकॉज आज सर को कहीं जाना था तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया. तो मे बी नेक्स्ट दिन होगा, या फिर देखते हैं कि जब बुलाएंगे तब होगा. तो अभी मेरे को भूख लगी है, देखते हैं कि खाने में आज क्या बना है.
लेट्स गो टू किचन। मम्मी कर रही है बर्तन सफाई। ये रहा किचन में दूध और खाने में कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। ये है बैंगन की सब्जी, ये है दाल, ये है चावल, ओ ये रहा मेरा अनार का जूस, इसमें डालना होगा थोड़ा सा नमक। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा नमक, क्योंकि कल रात भी मुझे नमक नहीं मिला था, मतलब सॉल्ट वाइट वाला नहीं, काला नमक, रॉक सॉल्ट। ओके, वो मेरे भाई के रूम में है। अब हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज माय ब्रदर इज डूइंग एक्चुअली। ही इज हियर सिटिंग टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। ये रहा काला नमक का डब्बा, काला नमक का डब्बा देखिए यहाँ पे पिंक कलर का होता है ना। और ये डाला थोड़ा सा काला नमक, और इसे मिक्स किया और इसे अब हम पी जाएंगे। ये है पोमोग्रेनेट का जूस। आज अजीब सा ही हो रहा है। गुड फॉर हेल्थ, चुपचाप पी जाओ। आज इसका स्वाद अजीब हो रहा है, मे बी शायद मैंने आज जल्दी बिना खाना खाए इसे पी दिया है इसलिए, बट इट वॉज क्वाइट ओकेश, नॉट दैट गुड। ओके, तो अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना खाने का टाइम होगा थोड़ी देर में। सब देखिए सेब भी रखे हैं, केले ऑलमोस्ट सड़ चुके हैं क्योंकि मुझे बनानास पसंद नहीं है। आई लव ऑरेंज, पियर्स एंड व्हाट एल्स, आई डोंट लाइक मैंगोज, प्लीज मुझ पर चढ़ना मत, बट मुझे मैंगोज पसंद नहीं है अंटिल अनलेस वो मुझे कोई प्रॉपर यू नो उसका जूस बना के ना दे दे, मैं अपनी मर्जी से उठा के आम नहीं खाऊंगी कभी भी, भले ही कितने ही आम क्यों ना रखे हों, कितने ही टेस्टी क्यों ना हो रहे हों। या तो अब मैं पढ़ने बैठूंगी फिर आपसे मिलूंगी। बेसिकली ना मैं आज नहीं रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर कल ना मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी जहाँ पर तियोंग ने ऐसा कुछ बोला। 찍어달라고 했었을 때 아미들의 어떤 콘텐츠를 보고 싶나요? 제가 아미 손 막 그 그런 거 있잖아요. 그 포토카드 언박싱 이런 거 별로 안 좋아해요. 그냥 아미 하루. 아미들도 제가 막 로그 찍을 때 제 손만 나오면 별로 안 좋아할 거 아니에요. 저도 이하 동문입니다. 보고 싶어요? 먼저 보여주세요. 나도 해줄게. 아미 보라의 사랑에 영원히 함께. 대신에 내가 뭐래? 또 우스카를 말하려고. 딱히 내가 또 지금 내 인생에 뭐 क्या चल रहा है? 막 कितनी झंडे चल रही हूं, कितनी भांडे चल रही हूं। देखो हम वर्क एडवो सॉरी बना ही रहे हैं, तो ये भी दिखाते हैं कि हम अपना बिस्तर भी लगाते हैं। ये मत कहना कि इसी व्लॉग के लिए है ये, सच नहीं बोलना होता यार। बिस्तर लगा लेते हैं, आजकल इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है जहाँ पे ठंडा हो रहा हो, ज़्यादा धूप ना आ रही हो, है ना, ताकि वो मज़ा आता है, कोजी कोजी सा रहता है। तो आप भी जब सुबह सुबह उठें तो प्लीज़ बिस्तर ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होता है टूवर्ड्स द चेंज, ये मैंने कहीं सुना था, एक किसी ने बोला था कि तुम सुबह सुबह अगर अपना बिस्तर लगाते हो उठने के बाद तो ये तुम अपनी ज़िंदगी के पहले मुकाम पे होते हो जहाँ पे तुम कुछ चेंज करना चाह रहे होते हो अपने लिए। ओके, तो ये रहा मेरा अपना बिस्तर, मैंने लगा दिया है, ठीक है, ये ब्लॉग के लिए ही है, वैसे मैं नहीं करती हूँ ऐसा कुछ। ओके, क्योंकि मैं अभी बिस्तर में बैठ के पढ़ने वाली हूँ, एज आई सेड ठंडा हो रहा है और ये पता नहीं क्यों टेढ़ा हो गया है, व्हाटएवर। ये मेरा प्यारा सा तकिया जैसे मैं हक करके सोती रात में, दिस इज सो क्यूट। ये यहाँ रहेगा और ये रहा मेरा दूसरा तकिया, इससे मैं भाव भी नहीं देती हूँ। ये रहा यहाँ जैसे, ये रहा मेरा डॉगी जिसका नाम है जूली, इसकी नाक टूट गई है, मेरे पास रखी है सच्ची में, अभी भी सांस नहीं ले पाता, ये बिना सांस के जी रहा है, ठीक है, और इसको यहाँ कर देते हैं। लग रहा है यार कितना चेंज हो गया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई इसको चेंज करते ही, सो फनी। आओ फिर अब पढ़ते हैं,
पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत है दिमाग। ओ यार मेरे पास है ही नहीं, वो मजाक कर रही हूँ है। खुद को रोस्ट करना इज माय प्रायोरिटी। एक सेकेंड मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। हाँ चार्जर, थ्री प्लगर, ये मेरा वाईफाई का चार्जर है। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का चार्जर लगाऊंगी। रात में मुझे लाइट की ज़रूरत होती है थोड़ी सी, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, वरना मुझे अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई मेरे अगल बगल घूम रहा है। आई डोंट नो ये साइकिक माइंड है क्या है, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं रात में थोड़ी सी डिम लाइट करके सोती हूँ, तो मैं सही फील होता है। ये मेरे भाई का खाना है, दही दही दही। ये मेरा खाना नहीं है एक्चुअली, मेरे भाई को जॉन्डिस हो रहा है तो वो उसके लिए इसको ये खाना है। बाकी ओ फ्रिज में रखी है भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और ये राजमा रखा हुआ है। ये भी तो है गाइस, गैस खत्म नहीं हुई है, ये खराब हो गया है, इसको धूप में रखना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाते हैं अपना घर का पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा जो कि है उप्स, ये छोटी सी बालकनी मैंने यहाँ रख दिया, अगर ये गिर गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो मैंने धूप में रखने को बोला मैंने, तो धूप तो यहाँ भी आ रही है। धूप तो यहाँ पे भी आ रही है ना, चलते हैं। बंद करना बहुत जरूरी है, कोई आ गया तो पीछे से। अब खाना खाते हैं। इसे बोलते हैं चपाती इन इंग्लिश, रोटी इन हिंदी। ओके ये है दाल, इस दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अरहर की दाल है ये। और ये बैंगन की सब्जी है जो मैं अभी खाऊंगी, ये मेरा चावल है, ये भिंडी है, भिंडी लेडी फिंगर, ये ब्रिंजल पोटैटो अनियन और क्या होता है इसमें पता नहीं और क्या होता है, दिस इज कुकुम्बर, ककड़ी, सैलेड। ओके तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि बस बता रही हूँ, मेरे को मज़ा आता है ऐसे बताने में क्योंकि मैं खुद भी चीज़ें सीख रही होती हूँ ऐसे बोल बोल के। हाँ तो ये रही दाल, ये रहा चावल। और अगर तियों देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि क्या खाना खाते हैं लोग, बट हमारे वहाँ ऐसे ही होता है। व्हाट आर यू डूइंग दिस, दिस इज़ पिकल आम का अचार, जैसे कोरियन में किमची होती है ये इंडियन किमची है, इंडियन पिकल। ओके और ये भिंडी की सब्जी है, ये बैंगन की सब्जी है जो मैं खाऊंगी, तो लेके चलते हैं। All these memories. हम यहाँ बैठ के खाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे सामान रख सकते हैं। आप दीजिए दाल, यहाँ पे हम अपनी दाल रखेंगे। ये डर तो हम आपको आज सिखाएंगे कि इंडियन फूड अपने हाथों से कैसे खाया जाता है। जो भी फॉरेनर इसे देख रहा होगा एंड जो फील करते हैं कि ये बहुत ग्रॉस है, इट्स अ गुड इवनिंग एंड मैं जिम के लिए निकल रही हूँ, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। तो जिम के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं कि मैं कितनी हूँ। We'll be right back.
나도 저걸 할 생각에 너무 떨렸죠. 네, 막 멤버들마다 스타일이 다 다르니까 야 이거 그냥 술만 마시면 되는 건가? 술 마셔도 돼. 아 그래요? 그래서 제가 술 좀 가지고 왔어요. 뭘 준비했을까? 제가 원래는 와인이겠지. 네 와인인데 제가 맨날 자주 먹는 술이라서. 네 아니 근데 원래 태영이가 예전에는 술을 전혀 못했는데 아예 입에 안 댔죠. 그래서 제가 그거 했었잖아요. 술을 시작한 게 과일 소주였잖아요. 아 그치 그치. 태형이 솔로 앨범이 세상에 공개됐을 텐데 와 나 이제 드디어 나왔다. 네 드디어. 분명히 준비를 내가 알기로 하니 한 2, 3년 전부터 했던 걸 기억하는데. 그쵸. 이제 앨범 낼 거예요. 맞아요. 이제 앨범 나와요. 작업하고 있어요. 맞아요. 그게 한 2년 3년 전이었던 것 같은데. 딱 3년 정도 된 것 같아요. 예전에 이제 너가 초기에 들렸던 거 들려줬죠. 그게 다 실렸어? 아 제가 쓰다가 항상 그 지브리시로만 가사가 완성되고 그리고 멜로디도 곡의 마무리는 지으니까 거기에서 스트레스를 너무 받아서 됐다 곡을 받자 해서 이제 곡을 받았는데 너무 좋은 거예요. 앨범 제목이 레이오버입니다. 네. 레이오버랑 제일 잘 어울릴 것 같은 그런 트랙들을 다 모아놔가지고 이번에 프로듀싱을 미지 했는데 좀. 네 맞아요. फूड इज फिनिश्ड. आई होप कि आपका आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, मज़े आए होंगे. मैंने बहुत सारी चीज़ें शो करने की कोशिश करी जो मैं नहीं भी करती थी. सो आई ट्राइड माई बेस्ट. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा. एंड इफ वी यू आर वॉचिंग दिस आई होप यू ऑल्सो इन्जॉय दैट. बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.